हेलो एवरी वन वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप टुडे इज मे आई एम दृष्टि एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम योर पॉलिटी सेक्शन सो अभी रिसेंटली अ राव इरप्टेड अगैन सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली सो यूजली क्या होता है जैसे आप सबको पता होगा बेसिक पॉलिटी में हमने पढ़ा है

It is NCT, National Capital Territory of the country. So Delhi not only has a lieutenant governor, but it also has council of ministers and a chief minister. Now the question is, Supreme Court has how is it that the lieutenant governor appointed ten aldermen, ten aldermen in the municipal corporation of Delhi? इन जनवरी वे बैक इन जनवरी विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्सल्टे कंसल्ट्रेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो ये एक राव एरप्ट हो गया है डेली का पूरा केस कैसा है वो देखेंगे कैसे कैसे लॉज इवॉल्व हुए वो देखेंगे ठीक है डेली फुल स्टेटहुड डिमांड कर रहा है क्या उसके प्रोज हैं क्या उसके कौनस हैं क्यों डेली को फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए क्या वे फॉरवर्ड है एंड सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट क्या हैं क्या क्या लॉज हैं जिससे डेली गवर्न होती है वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल टुडे लेट्स गेट स्टार्टेड सो पहले सबसे पहले इशू देख लेते हैं इशू क्या है सो इशू इज सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्प्यूटेड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के वी के सक्सेना उनकी अथॉरिटी ऑफ नॉमिनेटिंग मेम्बर्स टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेली हाउस विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनवरी में अंडर सेक्शन थ्री का पार्ट बी ऑफ डेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1957 इसके अंडर दस ऑल्डर नॉमिनेट करे थे एंड इसके लिए एक गजट में नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसके ऊपर अभी पूरा पार्ट असल चल रहा है एक बार फटाफट से एवोल्यूशन ऑफ डेली देख लेते हैं हाउ द एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस इन डेली हैज़ प्रोग्रेस सो 1950 में आप देखोगे डेली वॉज मेड अ पार्ट सी स्टेट पार्ट सी स्टेट इनिशियली आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कैसे कैसे बनी देन 1951 की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज क्रिएटेड जहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर था एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे 1956 की बात करें अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डेली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लेदर इट वाज मणिपुर वेदर इट वाज हिमाचल प्रदेश इवेंचुअली दे गॉट द फुल स्टेटहुड स्टाटस ठीक है डेली वो आज भी डिमांड कर रहा है एंड उसको नहीं मिला है सो so, अगर आप देखें डेली का केस हैज़ बिन यूनिक टू रेस्ट एज कंपेर टू द रेस्ट ऑफ़ द ये रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरेटरीज तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आता है नाइनटीन सिक्सटी सिक्स की बात करें तो डेली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पास करा गया ठीक है दर वॉज अ चीफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसकी बात करें नाइनटीन नाइनटी वन की तो सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा गया जिसको जी एन सी डी टी एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी वन बोला गया नाइनटीन नाइन्टी टू तक डेली में एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़े से चेंजेस थे बट फॉर मोस्ट पार्ट इट हैज़ स्टेड एज अ यूनियन टेरिटरी एंड देन अगेन आया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का टाइम जब आपका जी एन सी टी डी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन पास करा गया एंड करंटली इसके हिसाब से इसके हिसाब से डेली इज़ बींग रूल्ड एज ऑफ नाउ ठीक है जी करंट गवर्नेंस मॉडल अगर देखें डेली का तो डेली इट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली एन सी टी डी एक्ट एनसी एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन विच क्रिएटेडल टेरेटरी विद द फीचर्स ऑफ अ स्टेट प्लीज याद रखेंगे स्पेशल यूनियन टेरेटरी विद द फीचर्स ऑफ अ स्टेट तो ये अपने आप में एक यूनिक केस है दोनों का अमेलगमेशन है ठीक है अगैन इस अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ आर्टिकल 239 थर्टी नाइन डबल ए के साथ टू थर्टी नाइन ए भी एड करे गए किसमें आफ्टर टू थर्टी नाइन एफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है क्या क्या प्रोविजन हैं पर वो देख लेते हैं सो आर्टिकल टू की अगर हम बात करें इट बेसिकली रिलेट्स टू द यूनियन टेरीटरीज इन जनरल यूनियन टेरीटरीज जितनी भी हैं इंडिया में ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी है इसमें दो रूल्स प्रोवाइड करते हैं मेजर पहला क्या है यूनियन टेरेटरी विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट उसको रूल करेंगे एंड एक उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होगा विच विल बी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी प्रेजिडेंट डीम्स टू बी फिट जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट करेगी वैसे उस टेरिटरी को गवर्न करा जाएगा फॉर एग्जाम्पल पांडिचेरी दमन इंदि दादरा नागरवी चंडीगढ़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है नाउ सेकेंड रूलिंग इसमें आता है प्रेसिडेंट में अपॉइंट गवर्नर फॉर द स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन ज्वाइनिंग यूनियन टेरेटरी जिसमें ही विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक यूनियन टेरेटरी है उसके एडजॉइनिंग एक स्टेट है उसी के गवर्नर को एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरेटरी प्रेजिडेंट अपॉइंट कर सकता है जिसमें जो एड जॉइनिंग स्टेट है उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होगा गवर्नर अपने डिस्क्रपन पे जो भी रूलिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजन हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल करेंगे एडमिनिस्टर करेंगे ठीक है जी ना इसमें इन्जर्ट करा गया आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए क्या बोलता है द यूनियन टेरेटरी ऑफ डेली

नाउ हाउ एवर लेजिस्टिव असेंबली जो है इसको एम्पावर नहीं करा गया कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने के लिए विच वर पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड आप जानते होंगे दिल्ली में आज भी जो पुलिस अस्टैब्लिशमेंट है दैट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है एक स्पेशल एक्ट है डेली पुलिस एक्ट उसके अंडर पुलिस इज एस्टैब्लिश एंड इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एंड चीफ मिनिस्टर है डेली इट वॉज लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज एम्पावर टू मेक लॉज ऑन अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो एलजी विल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट एंड अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट ठीक है अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो इसमें वट एवर द डिसीजन ऑफ प्रेजिडेंट दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ठीक है ना टू थर्टी नाइन ए बी की बात करें तो इट प्रोवाइड्स फॉर प्रेजिडेंट्स रूल इन डेली वेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरेटरी कैन नॉट बी कैरड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए प्रेजिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा सिमिलरली जैसे भी किसी भी स्टेट में होता है अगर Uh, जो वहाँ की स्टेट मशीनरी है वो फंक्शन नहीं कर पाती तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है सिमिलरली अगर दिल्ली में भी इफ़ चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर फेलिंग टू एक्ट अगर वो वहाँ पे प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हो जाएगा एंड गवर्नर विल रूल इन प्रेजिडेंस नेम जो भी प्रेजिडेंट का मैंडेट होगा इन लाइन विद एट पार विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसके हिसाब से वहाँ पर गवर्नर रूल करेंगे ठीक है जी नाउ नेक्स्ट अगर हम अमेंडमेंट की बात करें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था लास्ट वाला जो मैंने आपको इन्फोग्राफिक में दिखाया द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट एक्ट 2021 की बात करें तो कुछ सेक्शंस इसमें अमेंड करे गए कौन कौन से सेक्शंस 21, 24, 33 एंड 44 ऑफ जो 1991 का एक्ट था उसके की प्रोविजन क्या थे पहला देख लेते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट है एक्ट इट मैं टर्म गवर्नमेंट टर्म गवर्नमेंट है दैट विल रेफर टू एनी लॉ मेड बाई लेटिव असेंबली दैट शैल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है नाउ सेकेंड इसमें अमेंडमेंट क्या आया लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपर हैंड रहेगा विच मेक्स विच मेक्स इट नेसेसरी फॉर डेली गवर्नमेंट टू ऑप्टेन द ओपिनियन ऑफ लेफ्टिनेट गवर्नर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है कोई भी नया लॉ इम्प्लीमेंट करा जा रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का से उसमें उनका ओपिनियन उनका ओके okay होना इसमें मैंडेटरी है तीसरी बात करें मेकिंग द रूल्स की तो अमेंडमेंट है बार्ड असेंबली और इट्स कमेटीज फ्रॉम मेकिंग रूल्स टू टेक अप मैटर्स कंसिडरिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन डेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें कमेटीज़ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगी उसमें रूल्स में कोई हिंड्रेंस नहीं डाला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजनस को प्रॉपरली स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन लाइन डिस्क्रीटली रखा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ द एक्ट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट है ये क्लेम करती है कि द अमेंडमेंट सीक्स टू गिव अमेंडमेंट सीक्स टू गिव सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रेटेड दैट इट फर्दर डिस्फाइंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अगर आप करंट इश्यूज की बात करें सी ये वाला सेटअप है दिल्ली में हम फॉलो कर रहे हैं बट देर आर सर्टन इश्यूज जो इस पूरे केस सिनारी में उभर के आ रहे हैं क्या इश्यूज हैं लेट्स सी पहला इट अंडरमाइंस द इलेक्टेड गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर ठीक है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही इज मोस्टली इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सो बहुत सारी चीज़ों में ना ये अंडर कर जाता है आपका किसको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डेली है ठीक है वहाँ पे मिनिस्टर्स दे बिकम हेल्पलेस सेकेंड एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी नहीं है नाउ बहुत सारी चीज़ों में देर इज कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ठीक है कन्फ्लिक्ट आ जाता है एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल नहीं रह जाता क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं है? तो विच दे पे अकाउंटेबिलिटी uh, करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नाउ इट गोज अगेंस्ट द प्रिज ऑफ द लेजिस्लेचर नाउ लेजिस्लेचर अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको फुल डिग्निटी uh, के साथ कंक्लूड नहीं कर सकता बिकॉज इट गोज अगेंस्ट इट्स प्रिविलजेस नाउ बिगेस्ट कन्फ्लिक्ट है अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इलेक्टेड उनमें तो इट क्रिएट्स अ डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एल जी के अप्रूवल जब आपको चाहिए होते हैं बहुत जगह पे तो वहाँ पे डिसीजन लेने में देरी हो जाती है एंड अल्टीमेटली द पीपल द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ द एरिया हैज़ टू पे द प्राइसर इट ठीक है ना अकाउंटेबिलिटी इशूज़ की बात करें अगैन टसल रहता है बिटवीन द अपॉइंटेड नॉमिनी आन द इलेक्टेड गवर्नमेंट तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इशूज़ आते हैं इट गोज़ अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो अगर आप थीम देखोगे दैट इज़ कोऑपरेटिव बट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ठीक है सो so, कॉम्पिटिटिव तो हो रहा है बट इट गोज अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों जो पार्ट्स हैं ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वो आपस में कन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं तो वो आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं एंड अल्टीमेटली जो भी प्रोग्रेस का काम है वो रुक जाता है सो इट गोज अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाउ कंट्रोल ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट एज आई टोल्ड यू बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें कंफ्लिक्ट आता है फॉर एग्जाम्पल डेली गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत सारे हेल्थ केयर के ऐसे एरियाज हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ओवरलैप है सो so, ये जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बहुत सारी जगह टसल आ जाता है यहाँ पे यहाँ पे भी लोगों को इशू देखने को मिलता है नाउ डेली पीपल ऑफ डेली दे हैव बिन पर्टिकुलरली गवर्नमेंट्स ऑल थ्रू आउट द ईयर्स काफ़ी सारे ईयर्स से हैव बिन डिमांडिंग फॉर अ फुल फ्लाज स्टेटहुड क्यों डिमांड कर रही हैं वो देख लेते हैं पहला मैसिव इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ डेली इनिशियली जब डेली सेटअप हुई थी एस कैपिटल आफ्टर इंडिपेंडेंस तो दिल्ली में लोग बाहर से आके बसे थे जो आप आउटर दिल्ली का एरिया देखेंगे वो पूरा जंगल होता था एंड अभी एनसीआर इतना एक्सपैंड कर गया है कि इट हैज़ बिन टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ अदर स्टेट्स ठीक है हरियाणा से एक साइड से लग रहा है यूपी से एक साइड से लग रहा है सो द प्रॉब्लम नाउ इज कि द पॉपुलेशन ऑफ डेली हैज़ बिकम मल्टीफोल्ड इट इज़ टचिंग अराउंड टू करोर एंड टू करोड़ की पॉपुलेशन को मल्टीपल डिवाइडेड सेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में रूल नहीं करा जाता जा सकता टू करोड़ की अगर पॉपुलेशन है देन द पॉपुलेशन नीड्स टू बी रूल्ड अंडर वन कंक्रीट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड इट हैज टू बी अ स्टेट गवर्नमेंट ठीक है सेकेंड पॉइंट जो एक आर्ग्यू करा जाता है दैट इज लिमिटेड पार्स ऑफ डेली गवर्नमेंट नोवेयर इन डेमोक्रेसी अगेन टू करोर पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाई अ गवर्नमेंट विद रिस्ट्रिक्टेड पार्ट तो कंसिडरिंग कोविड के टाइम पे भी अगर आप देखो तो बहुत सारे जो हेल्थ केयर के एस्पेक्ट्स थे दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर पा रही थी स्टेट गवर्नमेंट कुछ और करना चाह रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और करना चाह रही थी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आया एंड टोटल ओवरऑल जो प्राइस जो पे करना पड़ा वो पॉपुलेशन जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको पे करना पड़ा एंड डिस्पाइट द विलिंगनेस The goodwill of both the governments, the central government and the state government, वो चीज़ manifest नहीं हो पाई and उस चीज़ में problem आने लगी। ठीक है। Now originally हाँ India, अगर आप देखें behind the union territories, that was transitional। जितनी भी union territories हैं, Manipur, Himachal Pradesh ठीक है सिक्किम तो ये वाले जो यूनियन टेरेटरीज वाले एरिया थे इट वॉज़ ट्रांजिशनल थोड़े टाइम के लिए यूनियन टेरेटरीज थी बाद में इनको फुल फ्लैजड स्टेटहुड दे दिया गया जब इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया या इनको हेल्प आउट करा गया बट डेली स्टिल स्टक जबकि डेली की पॉपुलेशन इज़ वे वे मोर एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप कंपेयर करो एज़ कम्पेयर टू अदर इनिशियल जो एक्स यूनियन टेरिटरीज है उनसे अगर कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा है सो ट्रांजिशनल स्टेटहुड के लिए दिल्ली को यूटी बनाया गया था ट्रांजिशनल uh, यूटी थी बट अभी तक इसको स्टेटहुड नहीं दी गई है तो दिस हैज बिन आर्ग्यूड कि इसलिए दिल्ली को स्टेट बना देना चाहिए नाउ देर हैव टू बी इक्वल राइट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस नाउ डेली इज सेल्फ सफिशेंट चीफ मिनिस्टर है हमारे पास ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं देर आर वेरियस बॉडीज तो सेल्फ गवर्न करने देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटर स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है इसलिए डेली ज बिन अप्रिहेंसिव कि इनको अभी तक फुल स्टार्टुड का दर्जा क्यों नहीं दिया गया नाउ एक मेजर पॉइंट जो डेली की गवर्नमेंट उठाती है वो ये बोलती है कि इन द मैटर ऑफ गवर्नेंस एंड ग्रेटर पार की अगर हम बात करें तो दिल्ली को अपने आप में पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है बिकॉज देर एज बिन अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस तो डेली अपने आप को गवर्न नहीं कर पा रही है कंसिडरिंग पॉपुलेशन कंसिडरिंग रिसोर्सेज कंसिडरिंग कितने एवेन्यूज़ हैं एवेन्यूज हैं डेली के पास डेवलपमेंट के लिए इसलिए डेली को फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए ऑल्सो देर वॉज अ यू एन रिपोर्ट यू एन रिपोर्ट थी डेली की पॉपुलेशन पे जिस पर यह कहा जा रहा था कि जो डेली की अरबन एग्लोमरेशन है इट विल बी द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड बाय द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एट बाय द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एट इट विल बी द मोस्ट पॉपुलस एंड विद द पॉपुलेशन विच हैज़ बिन राइजिंग कॉन्टीन्यूअसली ठीक है अलॉट ऑफ पीपल हे माइग्रेटेड टू डेली डेली की अपनी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करती जा रही है डेली इज ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम्स ह्यूज प्रॉब्लम्स विद रिलेशन टू ट्राफिक पोल्यूशन एंड वाटर स्कैरसिटी इन सबको अगर रिजोल्व करना है द पावर हैज़ टू बी इन वन हैंड सो दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्मूथ हो पाए एंड लोगों को कोई इशू ना हो सो so, ये वाला एक मेजर यहाँ पे आ, मुद्दा उठाया जा रहा है ना इन फेवर तो आर्ग्यूमेंट्स हमें ये मिल रहे हैं देर हैव बिन सर्टन आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट दिए जा रहे हैं कि डेली को आप फुल फ्लैजड स्टेटहुड दे के पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल क्यों नहीं दे सकते हो पहला जो डिमांड है दैट इज सेड इट इज़ ड्रिवन बाय लोकल एम्बिशन लोकल पॉलिटिकल एम्बिशन इसमें ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कुछ बिकॉज इट इज़ अ नेशनल कैपिटल नेशनल इंटरेस्ट हैज़ टू बी इन्वॉल्व ठीक है सेकेंड नेशनल कैपिटल के इंटरेस्ट में अगर आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट को आप पूरी <coughs> पार कहीं भी नहीं दे सकते हो फेडरल गवर्नमेंट के पास पार होनी चाहिए बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनकी वर्किंग में उनकी फंक्शनिंग में कोई हिंड्रेंस ना आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पार होनी ही चाहिए ना स्पेशल सिक्योरिटी कवर की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट हर कंट्री की एम्बेसी इज देयर इन डेली ठीक है वहाँ पर जब Uh, किसी भी तरह के सिक्योरिटी कवर की बात आती है थोड़े से भी सिक्योरिटी इश्यूज की बात आती है तो दिल्ली की जो पुलिस है विच इज़ अगेन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद अदर सिक्योरिटी एजेंसीज़ लाइक रॉ आई बी एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल ट्वेंटी ट्वेंटी में चाइनीज एम्बेसी में एक, एक इशू हुआ था तो वहाँ पर यह कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ था बिकॉज एवरीथिंग वॉज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल के साथ आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ में टसल आ रहा है बिकॉज़ नेशनल सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड जब एम्बेसीज इतनी सारी हैं सी एम्बेसी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर कंट्रीज सॉयल ऑन योर पीस ऑफ लैंड ठीक है see, your, uh, land, <laughs> तो वहाँ पे इट इज़ अ मैटर ऑफ आपकी देश की इज्जत दाव पे लगी हुई है ठीक है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा भी मैसअप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो उतना स्कोप ही नहीं है सो टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ यास्को टू हैपन इसलिए इट इज़ मैंडेटरी कि जो पार्ज हैं सर्टन पार्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहें नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेली आर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड किसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्टिव असेंबली की नहीं है डेली पुलिस अगैन इट मेनटेन्स सिक्योरिटी तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें अपर हैंड रहे नाउ कंट्रोल ओवर टेरिटरी की बात करें तो जो फेडरल गवर्नमेंट है इट हैज़ टू रिटेन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री जो फेडरल गवर्नमेंट का है आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूलिंग एरिया है एक ये मेजर आर्गुमेंट दिया जाता है क्यों दिल्ली को एक फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं दे सकते देर आर सर्टन रीजनल पार्टीज विच है अबाउट कि आप डेली को फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं दे सकते बिकॉज जो नेशनल कैपिटल है वो किसी एक स्टेट की जागीर नहीं है वो किसी एक स्टेट का रीजनलिज्म उसको डिफाइन नहीं करेगा नेशनल कैपिटल बिलोंग्स टू ऑल ऑफ द कंट्री ठीक है नेशनल कैपिटल जो है आपका उस पर तमिलनाडु वालों का भी उतना ही हक है जितना नागालैंड वालों का है ठीक है आप एक पर्टिकुलर स्टेट बना के उसको फुल स्टार्ट हुड दे के कहीं ना कहीं बिकॉज रीजनलिज्म की बात आती है लिंग्विज्म की बात आती है सन ऑफ सॉल डॉक्टरइम की बात आती है सो so उसको आप सेम लाइन में मर्ज नहीं कर सकते हो इसलिए इट हैज़ बिन सेड कि आप इसको फुल फ्लैजड स्टेट नहीं दे सकते एक प्रोमिनेंट जो इसमें ऑपोजिशन की आवाज़ आती है दिस लोकल पार्टी फ्रॉम पंजाब कॉल शिरोमणि अकाली दल ये कांस्टेंट कॉन्स्टेंट uh, एक इसके अगेंस्ट वॉइस करते रहे हैं कि आप दिल्ली को फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं दे सकते हो नाउ इस पूरे टसल में वे फॉरवर्ड क्या है नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट मोर अबाउट कि किसके हाथ में ज़्यादा पार है इट इज़ मोर अबाउट पीपल हैव टू फील सेफ एंड बेटर ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होना चाहिए कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कीपिंग देर पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे शुड कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन प्रायोरिटी ठीक है पहली चीज़ तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये समझनी पड़ेगी दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी इन एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जहाँ पे इन्होंने ओवरटेन कर ओवरटर्न करा डेली कोर्ट का जो 2016 का जजमेंट था जहाँ पे ये रूल करा गया था कि दिल्ली

लोगों का से है एंड इसलिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका भी से रहेगा ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी पार रहेगी नाउ इफ वी हैव टू रिजोल्व द डिस्प्यूट डिस्प्यूट ओवर द डिमार्केशन पास बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कुछ की प्रिंसिपल्स ले डाउन करे गए क्या आपकी प्रिंसिपल्स ले डाउन करे गए डेली गवर्नमेंट हैज़ पार इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट इन एरियाज अदर देन दैन एरियाज एग्जम्प्टेड कौन से लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर नाउ लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन है गवर्नमेंट है आपके चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लेफ्टिनेंट सक्सेना है उन्होंने ओल्डरमैन के अपॉइंटमेंट में फॉलो नहीं करा है इसलिए ये पूरा इशू आ रहा है ठीक है ना ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज जो प्रोविजन है आर्टिकल जो प्रोविजन है आपका आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए का विच अलाउड एल जी टू रेफर टू प्रेजिडेंट जहां पे अगर कोई इशू आ रहा है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपका मिनिस्टर्स के साथ इन सच केस जो प्रेसिडेंट कहेगा दैट विल होल्ड द पैरामाउंट जो भी प्रेसिडेंट वहाँ पे बोलेंगे दैट विल बी द फाइनल बाइंडिंग डिसीजन डेली लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मस्ट टेक एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्योंकि जो एन है नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो एंजॉय करती है एक स्पेशल स्टेटस एंड

लेफ्टिनेंट <laughs> गवर्नर इनको अपने आपको पैरामाउंट जगह पे नहीं रखना चाहिए ऑल्सो गवर्नमेंट को अपने आप को पैरामाउंट जगह पे नहीं रखना चाहिए एंड दे शुड बी वर्किंग टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन बिकॉज जो लोगों की प्रस्पैरिटी है दैट इज नॉट ओनली फॉर द जनरल पॉपुलेशन बट इट ऑल्सो सेट्स अ स्टैंडर्ड अबाउट योर कंट्री एट द वर्ल्ड एज अ होल ठीक है क्योंकि इतनी सारी एमबीसीज हैं इतने सारे फॉरन कल्चरल इंस्टीट्यूशन है सो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन डेली कम्स टू द नोट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस इसलिए स्मूद फंक्शनिंग ऑफ नेशनल कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट होल्ड्स एज अ प्रेस्टीज इशू एंड इट होल्ड्स एज अ सिक्योरिटी इशू राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डेली इशू if you have any doubts you can mention them in comments i'll try taking them up in next lecture till then stay tuned and keep learning keep watching thank you so much bye bye